नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 जय जवान जय किसान मुर्दाबाद 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 वापस राम। आप सब जानते हैं सारे हिंदुस्तान में खासकर पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी मध्य प्रदेश हर जगह आज किसानों के अंदर एक अनिश्चितता के माहौल पैदा हो चुके हैं, एक भयभीत के माहौल पैदा हो चुके हैं, क्योंकि किसानों की आत्मनिर्भर करने की कांग्रेस जमाने की सारे जो प्रक्रिया थी, जैसे कि MSP मंडी प्रोक्योरमेंट, ये सारे अभी ख़त्म होने वाला है। ये सरकार सत्ते पे आए थे किसानों की वोट लेकर, मजदूरों की वोट लेकर गुमराह करके, भ्रमित करके, ये आज साबित हो रहे हैं। क्योंकि एक तरफ किसान, दूसरी तरफ मजदूर, दोनों को हक छीनने की पुरजोर साजिश ये सरकार रच रही है। ताजुब लगता है कि जो किसान हमारे अन्नदाता होते हैं, जो किसान सारे देशवासियों को खिलाते हैं, आज उन्हीं के खिलाफ, उन्हीं के विरोध में ये सरकार आज जमीन पे उतरे हुए हैं, कृषि बिल और लेबर बिल लेकर। ये घातक विधायक हमारे हिंदुस्तान में कृषि और मजदूरों की जीवन को और बुरी तरह इनको असर करने वाला है। इसके खिलाफ हम विरोध जताते हैं। आज बड़े अजीब से लगता है कि जो सरकार खुद को आत्मनिर्भर की गुहार लगाते हैं, वो आज किसानों की आत्मनिर्भर की हक छीन रहे हैं। MSP कहिए, ये प्रोक्योरमेंट कहिए, हरी क्रांति कहिए, सारे कांग्रेस की जमाने में ये हिंदुस्तान की किसानों ने देखा था। और ये किस लिए किया था? हरी क्रांति किस लिए, MSP किस लिए, प्रोक्योरमेंट किस लिए, मंडी किस लिए? किसानों की आत्मनिर्भर करने के लिए। आज आत्मनिर्भर की नारा लगाने वाला ये सरकार किसानों से आत्मनिर्भर हथियार छीनना चाहते हैं, और वो हथियार कॉरपोरेट को देना चाहते हैं। किसानों की शोषण करते हैं ये सरकार और कॉरपोरेट को नमन करते हैं इस सरकार के खिलाफ। इसलिए सारे किसानों ने आज आक्रोश में जमीन पे, रास्ते पे उतर कर आए हैं। हम भी किसानों की नुमाइंदे हैं, हम भी मजदूरों की नुमाइंदे हैं। इसलिए ये किसान विरोधी, मजदूर विरोधी जो विधायक ये सरकार जबरदस्ती पारित कर रहे हैं, इनके खिलाफ हमारा आवाज बुलंद करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये सरकार को हम बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ।